तुर्क सदर ने इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाने की ठान ली है। इस्तांबुल में इसराइल मुखालिफ रैली से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइल एक जंगी मुजरिम है। इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी ममालिक के दोहरे मयार पर उन्होंने सख्त तनकीद भी की। कहा, मगरबी ममालिक की हिमायत के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता। सवाल उठाया कि क्या मगरब एक बार फिर सलीम और हिलाल की जंग चाहता है? अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि तुर्क कौम अभी जिंदा है। खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइल एक जंगी मुजरिम है। इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी ममालिक के दोहरे मयार पर उन्होंने सख्त तनकीद भी की। कहा, मगरबी ममालिक की हिमायत के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता। सवाल उठाया कि क्या मगरब एक बार फिर सलीम और हिलाल की जंग चाहता है? अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि तुर्क कौम अभी जिंदा है। खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइल एक जंगी मुजरिम है। इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी ममालिक के दोहरे मयार पर उन्होंने सख्त तनकीद भी की। कहा, मगरबी ममालिक की हिमायत के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता। सवाल उठाया कि क्या मगरब एक बार फिर सलीम और हिलाल की जंग चाहता है? अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि तुर्क कौम अभी जिंदा है।